बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग अपने YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर फिर से एक बार मिल रहे हैं अपने उसी प्रीवियस चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ। बहुत सारे टॉपिक्स को मेरे बच्चों मैंने डिस्कस कर लिया था, कुछ टॉपिक्स रह गए थे, तो जो टॉपिक्स रह गए थे उन पे भी हमको बहुत ही डीपली बहुत ही शानदार तरीके से बात करनी है। और मैं आपको बता दूं, इस चैनल में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिससे आपको ओवी ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के साथ पूरे फुल चैप्टर्स के फुल वीडियोस सब आपको यहां अवेलेबल मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन मिलें और आपको जो एक्स्ट्रा वीडियोज हैं वो अवेलेबल। तो बच्चों, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरफ। जो लास्ट लेक्चर था मेरे बच्चों, उस पे हमने आपसे बात की थी वर्नर्स थ्योरी में। तो जो वर्नर्स थ्योरी पे बात हुई थी, उस थ्योरी पे कई सारी बातें हमारी हुई थी, लेकिन क्या था ना कि कुछ हमने कहा था लास्ट लेक्चर में आपसे कि हम आपसे बात करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। क्या बात करनी है उन क्वेश्चंस पे, आज हम लोग उसी चीज पे जा रहे हैं आगे निकल के। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि वर्नर्स थ्योरी के कुछ पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स पे हम लोगों ने बात कर रखी थी। जो वर्नर्स थ्योरी थी वो दो टाइप की वैलेंसी शो करती थी, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती थी, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती थी। प्राइमरी वैलेंसी किसी भी एटम के लिए फिक्स नहीं होती थी, किसी भी कंपाउंड में फिक्स नहीं होती थी, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती थी। ठीक, तो इस टाइप के सारे टॉपिक पे हमने बात की थी वर्नर्स थ्योरी में। अब उससे क्वेश्चन क्या आता है, वर्नर्स थ्योरी में आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए थे, उन एग्जांपल्स में क्या था, जैसे कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के कॉम्बिनेशन से कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ था, उन कंपाउंड को ही हम लोग वर्नर सीरीज के कंपाउंड बोलते हैं, वर्नर सीरीज के कंपाउंड बोलते हैं। ठीक, वर्नर सीरीज के कंपाउंड बोलते हैं। अब ये जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से COS3 का होल 5 CLCl2। आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन आपसे कहेगा अ कंपाउंड COCl3.4H3, एक कंपाउंड का ये फॉर्मूला है, गिव्स 1 मोल ऑफ HgCl, 1 मोल ऑफ HgCl ऑन एडिशन ऑफ AgNO3। AgNO3 मिक्स करने पे 1 मोल HgCl का देता है, तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक, तो जैसे ही आपने इस कंपाउंड का फॉर्मूला बताया, इसने कहा कि 1 मोल HgCl का दे रहा है, तो बाहर Cl आप लगा दीजिए क्योंकि 1 मोल HgCl का निकल रहा है, बाकी बचा क्या, CONH3 का होल 4 Cl2 Cl। ये आपका, क्योंकि 1 मोल HgCl का बोल रहा था इसलिए 1 Cl बाहर लगा दिया गया। बाई चांस आपसे कहता है जैसे यहां पे कितने मोल HgCl के आएंगे, तो 2 मोल ऑफ HgCl, क्यों, क्योंकि बाहर इसमें 2 क्लोरीन एटम है, 2 मोल ऑफ HgCl प्रेसिपिटेटेड। ठीक, 2 मोल ऑफ HgCl प्रेसिपिटेटेड। तो इस टाइप से आपके पास बता दूं कि कंपाउंड्स और उनके स्ट्रक्चर्स आपके पास आ जाते हैं। इस टॉपिक से पर्टिकुलर यही एक सिंगल इकलौता क्वेश्चन बनता है, और कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं बनता। अब हमारे पास इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसकी, हाँ एक चीज और, इसमें आपको अगर देखें तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो है 1 और सेकेंडरी वैलेंसी जो इसकी है
प्राइमरी वैलेंसी आयंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारे पास वर्नर्स थ्योरी का टॉपिक था जिसके बेसिस पे आपने ये टॉपिक पढ़ा। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, कितने थ्योरीज हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लाइक ज्योमेट्री, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग मॉडर्न थ्योरीज। जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि ज्योमेट्री, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक्सप्लेन की जाती हैं कुछ थ्योरीज के द्वारा। वो थ्योरी हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये फोर थ्योरी। क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी वर्नर्स ने अपनी थ्योरी में कहीं कुछ भी नहीं बताया, तो जब वर्नर्स ने अपनी थ्योरी में कहीं कुछ नहीं बताया तो इन थ्योरीज को क्लियर करने के लिए, थ्योरीज इन सारी प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए ये एक्स्ट्रा थ्योरी प्रोवाइड की गई जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, जिस थ्योरी के बिहाव पे आपको बहुत कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन होने वाली। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बिहाव पे आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर, ठीक, जियोमेट्री, ये सारी चीजें डिफाइन की है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर, ज्योमेट्री, ये सारी की सारी चीजें प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया गया। कलर का मैटर थोड़ा सा इस थ्योरी में कम आया, बाकी दो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और ज्योमेट्री तो कंप्लीटली डिफाइंड थी। तो चलते हैं अपनी थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ। क्या पॉइंट्स हैं, कैसे पढ़ना है, तो कुछ एजम्पशंस हैं जो इस थ्योरी को डिफाइन करते हैं। मेन एजम्पशन क्या है, कैल सेंट्रल मेटल आयन और एटम इन द कॉम्प्लेक्स मेक्स अवेलेबल द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद लिगेंड्स। कह रहा कि कोई भी जो सेंट्रल एटम होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए नंबर ऑफ लिगेंड्स के इक्वल, जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे उसके इक्वल वैकेंट ऑर्बिटल का को अवेलेबल कराएगा। जैसे आपको मैं बता दूं K4 FeCN का होल 6, ये कंपाउंड है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब ये 6 वैकेंट ऑर्बिटल बनाएगा। किस लिए, बॉन्डिंग के लिए, ठीक, क्योंकि 6 लिगेंड्स हैं तो जितने लिगेंड्स उतने वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि एक वैकेंट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं इस टाइप्स। और पेयर का मतलब ही होता है, एक लोन पेयर का मतलब पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन, वो दोनों किस पे रहेंगे, एक और पेयर में। तो सेंट्रल आयन, मेटल आयन और एटम इन द कॉम्प्लेक्स मेक्स अवेलेबल अ नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद लिगेंड्स। आगे कह रहा है द रिक्विसाइट नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स sp एंड d ऑफ मेटल एटम और आयन हाइब्रिडाइज्ड टू गिव अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री। वो उतने ही sp-df ऑर्बिटल अवेलेबल कराएगा डेफिनेट ज्योमेट्री के जितने की उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जितने की उसको नीड होगी। अब जैसे अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका, तो s का एक p के 3 ऑर्बिटल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आएगी। उसी जगह पे दूसरे में अगर पीछे का ऑर्बिटल लेते हैं तो dsp2 स्क्वायर प्लेन ज्योमेट्री होगी। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो आगे के 2 ऑर्बिटल या पीछे के 2 ऑर्बिटल, यानी इनर ऑर्बिटल लेगा या आउटर ऑर्बिटल लेगा, और उसका दोनों का शेप कैसा होगा,
ओक्टेट, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स होंगे उनका जो शेप होगा, उनकी जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। जो चार है कोऑर्डिनेशन नंबर उसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लैनर होगी, और जो चार है sp3 वो टेट्राहेड्रल होगी। आगे कह रहा है कि द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्वड इन द हाइब्रिडाइजेशन मे बी ईदर इनर डी ऑर्बिटल और आउटर डी ऑर्बिटल, ठीक, और एनडी। कह रहा है कि जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में वो या तो इनर डी ऑर्बिटल का यूज करेंगे यानी n-1 डी ऑर्बिटल का यूज करेंगे, या आउटर डी ऑर्बिटल मतलब एनडी, यानी अगर n-1d अगर लास्ट सेल 4 है तो या तो वो 3d का यूज करेगा, और लास्ट सेल अगर 4 है तो वो 4d का यूज करेगा, ठीक। इनर मतलब 3d ऑर्बिटल, आउटर मतलब 4d ऑर्बिटल यूज करेगा। ईच लिगेंड हैज एट लीस्ट वन ऑर्बिटल कंटेनिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सारे के सारे ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल में, यानी लिगेंड्स एक और एक पूरा पेयर रखेगा, और उसके लिए एटलीस्ट एक ऑर्बिटल चाहिए क्योंकि लिगेंड्स एक पेयर डोनेट करेगा और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे रखने के लिए उसको दो इलेक्ट्रॉन की, मतलब दो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए उसको एक ऑर्बिटल की नीड होगी। नेक्स्ट बोलता है द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम और आयंस ओवरलैप विद द फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम और आयन ओवरलैप विद द फिल्ड ऑर्बिटल, लिगेंड्स के फिल्ड ऑर्बिटल के साथ मेटल का जो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन द हुंड्स रूल इज स्ट्रिक्टली फॉलोड, हुंड्स रूल को फॉलो किया जाता है। हुंड्स रूल बोलता है ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन झुंड लगा के नहीं आते, एक एक करके फिल किए जाते हैं, तो स्ट्रिक्टली हुंड्स रूल को फॉलो किया जाएगा, ठीक। बट एक केस है उस पे, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स द इलेक्ट्रॉन्स मे बी फोर्स्ड टू पेयर अगेंस्ट हुंड्स रूल। लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, लाइक स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं आपके CO जो कार्बन वाले होते हैं, CN, इनके केस में ये दोनों CO और CN के केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, ठीक। इनके केस में हुंड्स रूल के अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है ऑर्बिटल में। मतलब अगर हुंड रूल बोलता है कि 3d6 के आप इलेक्ट्रॉन फिल करिए, तो 1 2 3 4 5 6 ये तो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग है। अपोजिट टू हुंड्स रूल अगर बोलता है तो 1 2 3 4 5 6 ये अपोजिट टू हुंड्स रूल है, ठीक, ये अपोजिट टू हुंड्स रूल है। तो इस टाइप से कब इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स यानी CO या CN होंगे, और अगर नॉर्मल लिगेंड्स हैं तो इस टाइप से आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे, ठीक। ये हो गया अगला पॉइंट। एग्जाम्पल फॉर आउट कॉम्प्लेक्स CN नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टू कैटेगरी होती है। उसके पहले हम आपको बता दें मैग्नेटिक बिहेवियर की कहानी ये है। अगला पॉइंट मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक, मैग्नेटिक बिहेवियर ये है कि अगर ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा है वो डायमैग्नेटिक, ठीक, डायमैग्नेटिक है। तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो डायमैग्नेटिक। तो ये आपका मैग्नेटिक बिहेवियर पे बात आती है।
अब कह रहा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हमने कहा इफ द कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व्स d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, इनर d ऑर्बिटल का यूज करता है, n-1 d ऑर्बिटल का यूज करता है सेंट्रल एटम, ठीक, ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन, देन इन दिस कॉम्प्लेक्सेस देयर आर लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे भाई, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आर फोर्स्ड टू पेयर अप, such as complex is called low spin complex. ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जिसमें मेटल्स क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को फोर्सफुली पेयर अप करता है, वही बोला ना कि हुंस रूल के अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया जाता है, उस केस में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किस केस पे आता है, कि उसी जगह पे आउटर ऑर्बिटल केस होगा कि आगे का जब डी ऑर्बिटल यूज किया जाए, जब आगे के d ऑर्बिटल का यूज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, आगे के d ऑर्बिटल के लिए हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। इफ द कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मड बाय यूज ऑफ आउटर d ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन इट इज कॉल्ड एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो इसको क्या कहा जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। इट विल हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, such a complex is called high spin complex. इसको क्या कहा जाता है, high spin complex बोलते हैं। वो low spin था, ये high spin। Outer orbital complex और high spin complex, ठीक? इसी को spin free complex भी बोलते हैं। वो spin paired complex था, ये spin free complex, ठीक? तो इस तरह से ये हमारे पास आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में हुंस रूल ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी फिल किया जाता है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में फिल किया जाता है। तो ये हमारे पास हैं। अब कुछ एग्जांपल करके दिखाते हैं आपको, लिमिटेशन हम लोग बाद में बात करेंगे, उसके पहले हम लोग कुछ करके देखते हैं। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है K2 NiCl का होल, ये कंपाउंड है, ठीक। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, देखो +1 x 4 × −1, ठीक। जब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो Ni का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, +2, ठीक। तो ये +2 आ गया, तो जब +2 आ गया ये ऑक्सीडेशन नंबर आया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया, इसको वैकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए, इट मींस इसको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए 4। वैकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए, 4, ठीक। अब इसके बाद जब 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 2 है, आइए जानते हैं। सबसे पहले Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8, ठीक, इस तरह से कर लिया गया। अब आपको पता है कि Ni ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, Ni ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, यानी ये इलेक्ट्रॉन कहां से लूज किए जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से लूज किए, क्यों, क्योंकि ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, यानी फाइनल हमारा क्या निकल के आएगा, फाइनल निकल के आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, ठीक, 3d8।
अब यहां पे जो D8 है, वन टू थ्री फोर फाइव, D8 हुआ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक। आपको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए 4। 3D के बाद आपने 4s वैकेंट कर दिया है। अब हमें चाहिए चूंकि 4 ऑर्बिटल, तो ये तो 3D8 हो गया, 4s 0 खाली पड़ा है, 4p भी वैकेंट पड़ा है, क्योंकि भैया फोर्थ सेल इन्वॉल्व हो गया। फोर्थ सेल में 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और 4fd होता है। अब आपको मैं बता दूं, जैसे सपोज करिए ये वही कहानी है कि जैसे हमारे पास अपने तीन चार मकान हैं। अब उस तीन चार मकान में से हमारा सिर्फ एक जो घर है वो यूज हुआ, बाकी जो चार तीन चार पड़े वो ऐसे ही पड़े, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो उन चारों को हम लोग यूज तो कर सकते हैं। सिमिलरली यही यहाँ भी किया गया कि 4s खाली हुआ है, हमको 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब हमारे पास है अरेंजमेंट तो हम तो उसी में फिल करेंगे ना। तो इसीलिए जब उसी में हम लोग फिल करेंगे तो इसीलिए हमने भी 4s के लिए दो इलेक्ट्रॉन, 4p में भी दो इलेक्ट्रॉन, दो दो चार, यानी ये क्या हुआ, s के 1 p के 3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बात समझ गए। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप आएगा, ज्योमेट्री जो आएगी इसकी, जो ज्योमेट्री आएगी वो कैसी आएगी, टेट्रा हेड्रल, टेट्रा हेड्रल ज्योमेट्री आएगी, ठीक। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा आएगा, जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो है, चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, दो हैं, तो मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा टेट्राहेड्रल sp3। स्पिन की बात करेंगे तो आपको थोड़ी देर पहले मैंने स्पिन की बात की थी कि अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा तो देखिए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि अगर sp3 यूज किया गया तो आपका यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये आपका एक एग्जांपल था, ठीक। इस एग्जांपल के बेसिस पे आपको सिर्फ इतना ही पूछता है, ज्योमेट्री पूछेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछेगा और हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा। इस क्वेश्चन का मेन मोटो यही होता है, और एक आध दो करके दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास एक और एग्जाम्पल आया, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आता है एक ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, CO F6, ठीक, -3, ठीक। इस पे आपको वही सब कुछ, क्या हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और ज्योमेट्री। तो सबसे पहले अब यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं, कोबाल्ट की कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला तो कोऑर्डिनेशन नंबर आया 6। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो वो आया +3, ठीक। कोबाल्ट का एटॉमिक
टॉपिक नंबर 27 है। 27 के पहले 18 ऑर्गन, शॉर्टकट में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, पूरा करने कोई नीड नहीं है, इनर्ट गैस यूज करिए और इतना लिख दीजिए। 18 के बाद हमारा जो आएगा वो आएगा 4s2, यानी 18 और 2 20 बचे 7, तो 3d 7 कर दीजिए। ये हुआ। अब इतना करने के बाद अब देखिए क्वार्टेशन नंबर चूंकि इसका 6 था, यानी इसको 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए इसको, ठीक। CO प्लस 3, 18 Ar, 4s2, 3d7, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको लूज करना है, यानी 3d से लूज करेंगे तो ये बचेगा 3d6 और 4s0। ये आया कि नहीं आया? अब आपको 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल के लिए आप क्या करोगे? डी के पास गए आप, तो डी भी देखिए पहले 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में 6, 3d6 हुआ, 4s0 और कितने चाहिए? 6 चाहिए, तो p4p भी आपको लानी पड़ेगी, 4p भी आपको लानी पड़ेगी। p में कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक। 4p से काम नहीं चला तो आपको 4d भी लानी पड़ेगी, 5 ऑर्बिटल। क्यों भैया जी? 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए आपको, ठीक है ना? 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए आपको, कितने चाहिए? 6 वैकेंट, ये s, ये p और ये d। 6 वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएं, यानी इसके पास कितने हुए? 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 4 5 6, ठीक। हुआ क्या? s p के 3, d के 2, sp3d2। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आया है, ठीक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 है, तो हाइब्रिड sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसा है? पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, सब्सटेंस कैसा होगा? पैरा पीछे के नहीं आगे के डी ऑर्बिटल को यूज किया, इसलिए कॉम्प्लेक्स कैसा है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को पीछे देखिए क्या कहा जाता था? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो इस तरह से ये आपका कंपाउंड ऐसे प्रूफ करते हैं कौन सा किस है। आगे दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल इस पे लेंगे हम लोग। तो जैसे हमारे पास NiCN का होल 4,
negative 2, ठीक, NiCN का whole 4 negative 2, यहाँ पे strong ligands आ गया, थोड़ा सा अलग है, तो सबसे पहले coordination number इसका देखिए क्या है, 4, oxidation number इसका क्या है, निकालेंगे इस पे, भाई इसका निकालेंगे तो x 4 into minus 1 is equal to minus 2, निकालिए सॉल्व करिए तो ये ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा plus 2. अब निकल का एटॉमिक नंबर 28, 18 Ar, 4s2, 3d8, yeah, 4s2, 3d8. अब निकल ने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रखे हैं, तो 18 Ar 3d8. टोटल वैकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए आपको? वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए 4, ठीक, 4s0 खाली पड़ा है, 4p भी आप ले आइए, ठीक. तो जब आप इसको फिल करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आया. अब चूंकि यहां लिखोगे CN negative is a strong ligand. CN negative क्या है? Strong ligands है. जब CN negative strong ligands है, उस केस में pairing of electron, pairing of electron opposite to whose pole? Opposite to Hund's rule. ठीक, तो 3d8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये खाली पड़ा है, 4s भी खाली पड़ा है, 4p भी खाली पड़ा है. आपको कितने चाहिए? 4, तो एक ये मिला, एक ही DSP2, DSP2 hybridization. और DSP2 hybridization का मतलब है स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स, ठीक. सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक. ये आपके पास मेटल आया, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस. तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि लगातार हम लोग इस चीज पे बात कर रहे हैं. ऐसे ही आपको स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स, इसके सारे एग्जांपल इसी तरह से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है. तो इस तरह के जब आप एग्जांपल करोगे अच्छा लगेगा आपको करने में. एक और एग्जांपल इसी तरह से हम आपको बताते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा. हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे K4 FeCN का होल 6, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के अबाउट में भी तो आपको बताना बहुत जरूरी है K4 FeCN का होल 6. अब इस टाइप का एग्जांपल आपको सर ने नहीं बताया, ये कौन सा था? sp3d2 था. तो इस टाइप का भी एग्जांपल एक करिए. यहां आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है. ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहां पे? +2 है, क्योंकि +1 x -1,
सॉल्व करिए तो प्लस टू आया। वैकेंट ऑर्बिटल आपको सिक्स चाहिए, है ना, सिक्स चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल। जब आप एफ ई का 26 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करिए 18 AR 4s2 3d6। फिर इसके बाद अब यहाँ पे चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, करिए 18 AR 4s0 3d6। याद है, बात समझ गए। अब चूंकि आपको पता है कि d6 है, 1 2 3 4 5 6 ये है, यहां लिखो Cn नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। जो Cn नेगेटिव है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, ठीक अपोजिट टू हम जो स्पिन होगी, सॉरी फिलिंग होगी, अपोजिट टू हुंस रूम। ठीक, कर दीजिए। तो 3d6 4s0 4p0 d6 में पहले आप d6 फिल कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। अब एक दो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो लिगेंड्स के एक लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन यहाँ और P में, तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो, D2 एक S 3P, तो D2SP3। ठीक, जब हाइब्रिडाइजेशन आया D2SP3 तो शेप कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल, इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, डाया मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक। ठीक, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि पीछे वाला डी ऑर्बिटल यूज किया गया है, और इनर ऑर्बिटल का मतलब है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ गए बात को। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि इतने सारे एग्जांपल की हेल्प से आपको हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कितने इजी तरीके से समझा दी है। आई होप आपको सारे के सारे एग्जांपल समझ में आ गए होंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे अगर देखा जाए तो बैकबोन यही टॉपिक था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर आपको इसी तरह सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर करना है तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमई पर, क्योंकि यहां आपको मिलने वाली है ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।